अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नई जहत पर बात करेंगे और वो नई जहत है एक्सपर्ट सिस्टम्स। आपको याद होगा कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इस पर बात की थी अपने प्रीवियस कई सारे प्रोग्रामों में। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सर्च टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं उन पे बड़ी तफसील से काफ़ी सारे प्रोग्रामों में बात की थी, और आज हम अपनी गुफ्तगू को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से निकाल के सर्च टेक्निक्स वाले कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ते हुए उनकी एप्लीकेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका अल्टीमेट मोटिव जो है डेवलपमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम्स, उस पर बात करेंगे। और आइंदा चंद सेशंस में हम जो गुफ्तगू करेंगे उसके लिए आप ए गाइड टू एक्सपर्ट सिस्टम्स जो कि डोनाल्ड ए वाटरमैन की किताब है, हम उससे इस्तेफादा करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स पर बात करेंगे कि एक्सपर्ट सिस्टम किस तरह से शुरू हुए और उसके बाद आज एक्सपर्ट सिस्टम्स किस लेवल तक उनकी डेवलपमेंट जो है वो पहुँच चुकी है और क्या टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं एक्सपर्ट सिस्टम के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होते हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम एक्सपर्ट सिस्टम्स के जो फीचर्स हैं मेन उन पे बात करेंगे, एसेंशियल रोल्स इन बिल्डिंग एक्सपर्ट सिस्टम्स इस पर बात करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि ह्यूमन एक्सपर्ट्स और जो एक्सपर्ट सिस्टम्स है उनमें क्या फ़र्क है। तो आइए हम एक्सपर्ट सिस्टम पे बात शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि हमने जब अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमने इब्तदाई गुफ्तगू की थी तो उसमें हमने ये देखा था कि बुनियादी गोल जो है, मेन पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू डेवलप सिस्टम्स दैट कैन थिंक। हम ये तो नहीं कह सकते कि सिस्टम्स जो है वो 100% वो दे कैन थिंक या वो सोच सकते हैं, लेकिन हम कम अज़ कम इस किस्म के सिस्टम्स जो है वो ज़रूर बना सकते हैं जो इस तरह से महसूस हो जैसा कि ये जिस तरह से ह्यूमन एक्सपर्ट जो है वो सोचने के बाद कोई डिसीजन करता है या एक्शन लेता है, तो सिस्टम्स भी इस किस्म का बिहेवियर जो है वो इंडिकेट करें। तो जो मेन गोल जिसे हम कह लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ये है टू डेवलप प्रोग्राम्स दैट कुड ऑन सम सेंस थिंक। उसका मतलब ये है सॉल्व प्रॉब्लम इन ए वे दैट वुड बी कंसिडर्ड इंटेलिजेंट इफ डन बाय ह्यूमन बीइंग्स। इस चीज़ को हम एक मिसाल के ज़रिए आपके सामने वाजे करते हैं। जब आप खुदा नखास्ता बीमार हो जाते हैं, कोई बच्चा बीमार हो जाता है या आप बीमार हो जाते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो है वो आपका नब्ज़ देखता है, थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर चेक करता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, कहता है मुंह खोलो, कान में कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के देखता है, और उसके बाद वो अपना जो है वो लिखना शुरू कर देता है आपके लिए नुस्खा या कुछ टेस्ट जो है वो आपके लिए तजवीज़ करता है। अब ये बात तो ठीक नहीं है अगर हम ये इस तरह से कहें कि डॉक्टर ने उन चंद सवालों पर और दो चार मिनट में जो उन्होंने आपको एग्ज़ामिन किया है उसके बाद उन्होंने आपकी बीमारी को 100% समझ लिया है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम भी इस तरह से ही कर सकता है। तो ये बात मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर ने जो 5-7 मिनट में आपके साथ जो इंटरेक्ट किया है, आपके जो टेस्ट देखे हैं, आपकी नब्ज़ देखी है, ब्लड प्रेशर देखा है, तो उसके पीछे एक डॉक्टर की जो तालीम है, डॉक्टर की जो ट्रेनिंग है, डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस है, वो सारा भी उस डिसीजन में शामिल है। हम ये नहीं कह सकते कि उन चंद आइटम्स या चंद एक्टिविटीज़ जो डॉक्टर ने की हैं उनकी बिना पे डॉक्टर ने आपकी बीमारी जो है उसकी तशखीस कर ली है और आपके लिए नुस्खा लिख दिया है। उसके पीछे उसकी तालीम, उसकी ट्रेनिंग, उसका एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ जो टेस्ट या जो उसका उसने वो सारी चीज़ें शामिल हैं उसके नुस्खा लिखने में। तो हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम उस एक्सपर्ट की, उस डॉक्टर की, दूसरे लफ्ज़ों में एक उसका जो बिहेवियर है
जो सोचने का बिहेवियर है या इंटेलिजेंट जो बिहेवियर डॉक्टर ने आपको एग्जामिन करने के लिए किया है उसको मॉकअप करने की कोशिश करते हैं, उसको मॉडल करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बुनियादी मकसद है दैट इज़ टू मॉडल इंटेलिजेंट बिहेवियर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। अब जब हम ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद जो है वो ये है कि इंटेलिजेंट बिहेवियर को मॉडल करना, तो फिर हम एक्सपर्ट सिस्टम को किस तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि हम एक्सपर्ट को डिफाइन कर लें, इससे पेशतर कि हम एक्सपर्ट सिस्टम को डिफाइन करें। एक्सपर्ट क्या है, ये एक जनरल सेंस में हम इसको अगर डिफाइन करें तो वो इस तरह से होगा कि एक्सपर्ट इज़ ए पर्सन हु थ्रू ईयर्स ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस हैज़ बिकम एक्सट्रीमली प्रोफिशिएंट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन ए पर्टिकुलर डोमेन। अब आप ये देखें कि एक्सपर्ट जो है उसका उसमें सिर्फ ये उसका किसी चीज़ के किसी काम को कर लेना शामिल नहीं है, उसमें उसकी एजुकेशन भी शामिल है, उसमें उसकी ट्रेनिंग भी शामिल है, उसमें उसका एक्सपीरियंस भी शामिल है। लिहाजा जब हम ये कहते हैं कि फलां शख्स जो है वो फिजिशियन है या ब्रेन सर्जन है, तो हम उससे ये कर रहे होते हैं, ये इन्फर कर रहे होते हैं कि ब्रेन के बारे में जितनी भी ब्रेन की फंक्शनैलिटी है, ब्रेन की एलिमेंट्स हैं उन और या उसकी जो क्योर्स हैं उन सब के बारे में वो शख्स जो है वो जानता है, और उसके उस जानने में उसकी तालीम भी शामिल है, उसकी ट्रेनिंग भी शामिल है और उसका एक्सपीरियंस भी शामिल है। और जब हम वो किसी शख्स का ब्रेन जो है या किसी शख्स की जो दिमागी हालत है उसको जब वो एग्ज़ामिन करता है तो बड़ी कंफर्ट से एग्ज़ामिन करता है, वो किसी भी चीज़ में ठिठकता नहीं है, वो ये नहीं समझता उसकी नॉर्मली हम ये इन्फर करने में हक बजानब होंगे कि वो शख्स उस पर्टिकुलर एरिया में पूरी महारत रखता है। तो जब हम ये कहते हैं कि एक्सपर्ट की ये डेफिनेशन है, तो एक्सपर्ट सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? एक्सपर्ट सिस्टम इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग एक्सपर्ट नॉलेज टू अटेन हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन ए नैरो डोमेन और प्रॉब्लम एरिया। यहाँ पे ये बात जो है ये हमें जहन में रखना होगी कि नैरो डोमेन एरिया जो है या नैरो डोमेन जो है ये एक बहुत ही अहम इस्तलाह है एक्सपर्ट सिस्टम्स की लैंग्वेज में। वो किस तरह से कि जब हम कहते हैं कि जी ये शख्स जो है ये मेडिकल एक्सपर्ट है, तो अब मेडिकल एक्सपर्ट जो है मेडिकल की सैकड़ों शाखें हैं जिसमें आप कहते हैं कि ये ENT है, ये आपका ब्रेन का है, ये हार्ट का है, ये आपका डेंटिस्ट्री है, ये आपका स्किन का है, तो उसके बाद उसकी वेरियस एक्सपर्टीज़ जो हैं मेडिकल डोमेन में उसकी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ बन जाती हैं। तो जब हम कहते हैं कि ये एक एक्सपर्ट सिस्टम हमने बनाया है जो कि मेडिकल एरिया में है, तो दैट डज़ नॉट मीन कि वो ये सारी जितनी भी मेडिकल एरिया के जो स्पेशलिटीज़ हैं उन सब का अहाता करता है। एक्सपर्ट सिस्टम उन वेरियस स्पेशलिटीज़ में से किसी ख़ास एरिया नैरो डोमेन, हम कहते हैं कि ये ब्रेन के लिए हमने एक्सपर्ट सिस्टम बनाया है या ये डेंटिस्ट्री के लिए ये एक्सपर्ट सिस्टम बनाया है या ENT के लिए ये एक्सपर्ट सिस्टम बनाया है, तो हम हक बजानब होंगे कि नैरो एरिया। इसी तरह से आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, हम कहते हैं कि हमने कंप्यूटर साइंटिस्ट एक जो है उसको मॉडल किया है, उसका एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया है, तो दैट डज नॉट मीन कि वो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो प्रोग्रामिंग के एरिया में भी एक्सपर्ट है, वो थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के एरिया में भी एक्सपर्ट है, वो माइक्रो प्रोसेसर में भी एक्सपर्ट है, वो नेटवर्किंग में भी एक्सपर्ट है, डेटाबेसेस में भी एक्सपर्ट है। किसी ख़ास एरिया में ये हो सकता है कि जो आप एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करें वो एक्सपर्ट सिस्टम किसी ख़ास डोमेन, इवन इन विद इन द कंप्यूटर साइंस, लेट्स से कि डेटाबेस का जो एक्सपर्ट सिस्टम आपने बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के बारे में ही तफसीली इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी और वो उसी एरिया में आपको एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो मुहैया कर सकेगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो शुरू से लेके एक्सपर्ट सिस्टम की तारीख दरअसल जो है वो कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट के साथ साथ ही चली है।
तो 60s में जब अभी कंप्यूटर्स जो है वो अपनी इसकी डेवलपमेंट जो है वो इन्फेंसी में थी, उसी वक्त ही कमोबेश साइंटिस्ट ने या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जिन लोगों ने काम करना शुरू किया उन्होंने भी इस एरिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस एरिया में काम करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले जिस चीज़ पे ये गालिबन 60s में जिस चीज़ पे उन्होंने काम शुरू किया, उनका ख्याल ये था कि वो एक जनरल पर्पज़ प्रोग्राम ऐसा बना लेंगे जो हर किस्म की इंसानी एक्सपर्टीज़ जो है उस हवाले से या उस डोमेन में वो काम कर सकेगा। उस पे बहुत थोड़ी सक्सेस हुई और जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर या जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट जो है वो उस पे को बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्योंकि इंसानी दिमाग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसी तरह से इंसानी एंडेवर के जो डिसिप्लिनस हैं वो भी बेतहाशा हैं। ये समझ लेना या इस लाइन पे काम करना कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बना लेंगे जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट को भी मॉडल कर सके, जो कि एक डेंटिस्ट को भी मॉडल कर सके, जो कि एक जियोलॉजिस्ट को भी मॉडल कर सके, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को भी मॉडल कर सके, ये मुमकिन उस वक्त भी नहीं था, आज भी नहीं है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक दूसरा दौर जो है वो शुरू होता है जो कि 70s का दौर है। उस दौर में साइंटिस्ट ने और एक्सपर्ट्स ने और रिसर्चर्स ने ये सोचा कि क्यों ना हम रिप्रेजेंटेशन पे, कि हम अपने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किस तरह से बेहतर तरीके से करें ताकि वो प्रॉब्लम जो है अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि उसका सोल्यूशन जो है, और सोल्यूशन जो है वो सर्च टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ 70s के दौरान, सर्च टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ। और आपको याद होगा कि हमने सर्च पे पिछले काफ़ी सारे सेशंस में बहुत तफसील से गुफ्तगू की थी, ब्रेड फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, सिमुलेटिव एनीलिंग, हिल क्लाइंबिंग और इस किस्म की बहुत सारी सर्च टेक्निक्स पे हमने बड़ी तफसीलन बात की थी। तो जो 70s का दौर था वो प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ और प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ सर्च टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया। अब अगला दौर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च और काम का जो डेवलपमेंट का जो दौर था वो 80s का जो दौर था, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ अखज़ की कि कोई भी इंटेलिजेंट प्रोग्राम या कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम इज़ एज गुड एज द इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन कंटेंड इन दैट सिस्टम। वो सिस्टम की अच्छाई, सिस्टम की खसूसियत, सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है कि उसके पास डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज कितना है। तो 80s और 90s का जो दौर था उस पे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने नॉलेज पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और डोमेन नॉलेज, ख़ास तौर पे डोमेन नॉलेज जो था वो बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो 60s से लेके ऑनवर्ड प्रोग्राम पावर में इंक्रीज हुआ और उसके साथ साथ जो फिलॉसफी थी एक्सपर्ट सिस्टम्स की कि यूज़ एक्सटेंसिव हाई क्वालिटी स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट सम नैरो प्रॉब्लम एरिया टू क्रिएट वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स। पहला दौर जो था वो ये था कि फाइंड सम जनरल मेथड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज़ देम टू क्रिएट जनरल पर्पस प्रोग्राम्स। ये मुमकिन ना हो सका और ये कामयाबी से हमकिनार ना हो सका डिस्पाइट द फैक्ट कि थोड़ी बहुत कामयाबी जो है वो ज़रूर हुई। उसके बाद जो 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 सेकंड फेज थी उसमें लोगों ने काम किया कि फाइंड जनरल मेथड्स टू इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन एंड सर्च एंड यूज़ देम टू क्रिएट स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स। ये भी किसी हद तक कामयाब रहा, ये भी बहुत ज़्यादा कामयाबी इसमें भी नहीं हुई। बल आखिर पीपल जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कहा कि लॉट्स ऑफ एक्सटेंसिव हाई क्वालिटी स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट सम नैरो डोमेन और नैरो प्रॉब्लम एरिया टू क्रिएट वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो है दिस इज़ द ओनली पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल वे। और उस वक़्त से लेके 90s और अब भी जो माइंडसेट रिसर्चर्स का या एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपर का वो ये चल रहा है टू गेट टू एक्वायर लॉट्स ऑफ हाई क्वालिटी स्पेसिफिक नॉलेज इन ए नैरो डोमेन एंड देन यूज दैट फॉर डिसीजन मेकिंग। मैंने पहले जिक्र किया नॉलेज एट द कोर ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक ए प्रोग्राम इंटेलिजेंट प्रोवाइडेड विद लॉट्स ऑफ हाई क्वालिटी स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट सम प्रॉब्लम एरिया। तो ये चीज़ जो है इस चीज़ ने एक्सपर्ट सिस्टम्स की कोर जो है
वो उसको बनाना शुरू किया। और जब ये माइंडसेट एक्सपर्ट्स के जहन में आया तो दो नई इस्तलाहें वजूद में आई, एक थी नॉलेज बेस और दूसरी जो टर्म थी दैट वाज नॉलेज इंजीनियरिंग। ये दो टर्म्स जो हैं ये कॉइन की गई उस वक्त जब एक्सपर्ट्स ने ये डिटरमिन कर लिया कि एक्सपर्ट सिस्टम के एरिया में डेवलपमेंट की सिर्फ वही यही एक पॉसिबल और प्रैक्टिकल स्कीम है कि बहुत सारा डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो एक्वायर किया जाए, एक्वायर करने के बाद उसको डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल किया जाए। तो नॉलेज बेस क्या चीज़ है? नॉलेज बेस इज दैट पोर्शन ऑफ द नॉलेज बेस्ड सिस्टम या दैट पोर्शन ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम दैट कंटेन्स डोमेन नॉलेज। अब डोमेन क्या है? डोमेन पे मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया, जियोलॉजी इज ए डोमेन, मेडिसिन इज ए डोमेन, इकोलॉजी इज ए डोमेन, एनवायरमेंट इज ए डोमेन, कंप्यूटर साइंस इज ए डोमेन। आप किसी भी डोमेन की बात करें, अब उसके बाद उस डोमेन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस डोमेन में भी आपको एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि मेडिकल के बहुत सारे शोभा जात हैं, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में भी। अब ये तो हो गई नॉलेज बेस कि डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जो है उसकी एक्युमुलेशन जो है दैट इज ए नॉलेज बेस। और वो किस तरह से नॉलेज बेस किस तरह से बनाई जाती है, नॉलेज डोमेन एक्सपर्ट से किस तरह से हासिल किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉलेज इंजीनियरिंग। आइए देखते हैं एक डायग्राम की मदद से कि नॉलेज इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा तफसील से डिस्कस करेंगे कि डोमेन एक्सपर्ट क्या है। जब हम कहते हैं कि डोमेन नॉलेज, वो जियोलॉजी के बारे में हो या इकोलॉजी के बारे में हो या मेडिसिन के बारे में हो, जब हम डोमेन एक्सपर्ट कहते हैं तो डोमेन एक्सपर्ट कंटेन्स द एक्सपर्टीज, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जब हम कहते हैं डेंटिस्ट तो डेंटिस्ट की जो डोमेन है दैट विल बी डेंटिस्ट्री, मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री। अब नॉलेज इंजीनियर का क्या काम है? नॉलेज इंजीनियर बेसिकली इज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट। उसका काम क्या है कि वो डोमेन एक्सपर्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि नॉलेज इंजीनियर जो है वो अपनी क्वेरीज के साथ, अपने प्रॉब्लम्स के साथ डोमेन एक्सपर्ट के पास जाता है। नॉलेज इंजीनियर हु इज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट बेसिकली क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स लेके डोमेन एक्सपर्ट के पास जाता है, डोमेन एक्सपर्ट से डिस्कस करता है, डोमेन एक्सपर्ट नॉलेज इंजीनियर्स करने के बाद उसको एनालाइज करता है और उन क्वेश्चंस और क्वेरीज को आंसर करता है, सॉल्यूशन देता है वो प्रॉब्लम्स जो के डोमेन एक्सपर्ट जो है, जो नॉलेज इंजीनियर जो है वो डोमेन एक्सपर्ट के सामने रखता है। उसके बाद नॉलेज इंजीनियर जो है वो स्ट्रेटजीज, रूल्स ऑफ थंब और डोमेन रूल्स जो है वो बनाता है और उन डोमेन रूल्स को एक्सपर्ट सिस्टम की शक्ल में मॉडल करता है। तो नॉलेज इंजीनियरिंग इज बेसिकली ए प्रोसेस इन विच ए नॉलेज इंजीनियर एक्वायर्स द डोमेन नॉलेज फ्रॉम द डोमेन एक्सपर्ट्स एंड मॉडल्स देम इनटू रूल्स, इनटू स्ट्रेटजीज एंड रूल्स ऑफ थंब एंड डोमेन रूल्स इन द शेप ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम फॉर एंड एक्सपर्ट सिस्टम इन टर्न हेल्प्स द यूजर्स, जिसके बारे में हम तफसील से आगे बात करते हैं। इससे पेशतर कि हम एक्सपर्ट सिस्टम की के बारे में मजीद कि एक्सपर्ट सिस्टम किस तरह से काम करता है, आइए हम देखें कि एक्सपर्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एक्सपर्ट सिस्टम की बेसिकली आई वुड से कि पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड दे आर दैट एक्सपर्ट सिस्टम हैज ए कॉर्पस ऑफ नॉलेज, देन एक्सपर्ट सिस्टम्स कंटेन हाई लेवल एक्सपर्टीज, देन एक्सपर्ट सिस्टम्स हेल्प्स अस इन प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, एक्सपर्ट सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड्स अस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सपर्ट सिस्टम हेल्प्स अस और प्रोवाइड्स अस ऑल्सो ए ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो आइए हम इन एक्सपर्ट सिस्टम की इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ा ज़रा तफसील से बात करें। जब हम ये कहते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम जो है दैट इज द कॉर्पस ऑफ नॉलेज, इट मीन्स इट इज द हार्ट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम एंड रिप्रेजेंट्स नॉलेज
of top expertise in the discipline. It also, the knowledge is explicit and organized and explicit and accessible. अब यहाँ पे जब हम ये कहते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम इज़ ए कॉर्पस ऑफ नॉलेज, इट मीन्स कि ये बुनियादी जो जो कोर एलिमेंट है किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम में, दैट इज़ द नॉलेज. और दूसरी चीज़ कि ना सिर्फ ये कि वो नॉलेज है, वो नॉलेज टॉप लेवल की एक्सपर्टीज़ है. आप एक शख्स जो कि ड्राइविंग सीख रहा है, आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये ड्राइविंग का एक्सपर्ट है. इन ऑर्डर फॉर ए पर्सन टू बी एन एक्सपर्ट ड्राइवर, उसकी उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर डोमेन में विल हैव टू बी ए वेरी स्ट्रांग एक्सपर्टीज. अगर हम कहते हैं कि ये एक एक्सपर्ट डेंटिस्ट है या एक्सपर्ट इकोलॉजिस्ट है या एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिस्ट है, तो द पर्सन शुड हैव द टॉप लेवल एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर डोमेन. और वो नॉलेज जो है वो ही कैन मेक ए कोर ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम. और दूसरी चीज़ जो है कि नॉलेज शुड बी एक्सप्लिसिट एंड ऑर्गनाइज्ड. ये नहीं है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए. जब हम नॉलेज एक्सपर्ट से एक्वायर करते हैं और उसको एक्सपर्ट सिस्टम में मॉडल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एम्बिग्विटी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी एक्सप्लिसिट एंड देन ऑर्गनाइज्ड. और लास्टली, जो नॉलेज हम एक्सपर्ट सिस्टम के लिए एक्वायर करते हैं, दैट शुड बी एक्सप्लिसिट एंड एक्सेसिबल. कि वो जो भी नॉलेज आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है एक्सपर्ट सिस्टम में, वो एक्सेसिबल भी होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर द यूज़र टू मेक डिसीजन. हम एक्सपर्ट सिस्टम क्यों बिल्ड करते हैं? इसलिए कि वो हमें डिसीजन मेकिंग में एडवाइस प्रोवाइड करे, हेल्प प्रोवाइड करे. अगर वट एवर नॉलेज वी हैव मॉडल्ड इन एन एक्सपर्ट सिस्टम वो एक्सेसिबल नहीं है, तो वो हमारे काम का नहीं है. नॉलेज मस्ट बी एक्सेसिबल, मस्ट बी ऑर्गेनाइज, एंड इट शुड बी एक्सप्लिसिट. एम्बिग्विटी उसमें नहीं होनी चाहिए. दूसरी फंक्शन जो हमने जिक्र किया कि एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो हमें हाई लेवल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है. तो यहां पे जब हम कहते हैं हाई लेवल एक्सपर्टीज, तो नॉलेज ऑफ द टॉप एक्सपर्ट इन द फील्ड, बिगनर्स नहीं, रिक्रूट्स नहीं, वो लोग जो वाकई उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, जिस डोमेन में आप एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं या जिस डोमेन के एक्सपर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें जो जिनसे नॉलेज एक्वायर किया जा रहा है, इट मस्ट बी ए टॉप लेवल एक्सपर्टीज. वो एक्सपर्टीज जो है वो भी टॉप लेवल की होनी चाहिए. और मल्टीपल एक्सपर्ट से भी एक्सपर्टीज जो है वो एक्वायर की जा सकती है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जब आप लेट्स से एक डेंटिस्ट जो है उसको मॉडल करने जा रहे हैं और एक्सपर्ट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही डेंटिस्ट से बात करें. यू कैन टॉक विद मल्टीपल एक्सपर्ट्स इन ऑर्डर, नॉलेज इंजीनियर कैन टॉक विद मल्टीपल एक्सपर्ट्स सो दैट एक बहुत ही अच्छी नॉलेज बेस जो है वो डिवेल्प हो उस पर्टिकुलर डोमेन में. And it leads to the solutions of problems that are imaginative, accurate and efficient. हम experts के पास क्यों जाते हैं? इसलिए कि expert जो है वो उस domain के बारे में उसका thorough knowledge available है, और the person is also an authority. और whatever he or she says वो imaginative भी होगा, वो creative भी होगा, वो effective भी होगा, और वो efficient भी होगा. और उसके बाद availability of knowledge and its skillful application. अब कुछ आप एक्सपर्ट किसी एरिया में ऐसे भी आपके पास हो सकते हैं कि जिनके पास नॉलेज तो है, किसी हद तक नॉलेज तो है, लेकिन वो नॉलेज जो है उसको अप्लाई किसी पर्टिकुलर डोमेन में किस तरह से करना है, ये भी एक अहम इशू है एक्सपर्ट सिस्टम की डेवलपमेंट में. और एक्सपर्ट सिस्टम्स में हम ये कैपेबिलिटी जो है ये यूज़ कर सकते हैं कि उस नॉलेज को किस तरह से स्किलफुली अप्लाई करना है उस डोमेन में. और जब हम हाई लेवल एक्सपर्टीज की बात करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करने की बात करते हैं, तो इट शुड लीड टू ए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन. हम आफ्टर ऑल ये सारा जो एक्सपर्ट सिस्टम बनाने का जो जो प्रोसेस है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया में लोग इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? कॉस्ट इज़ वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन डेवलपिंग द एक्सपर्ट सिस्टम्स. तो इंशाल्लाह हम आइंदा प्रोग्राम में अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़. आप ये देखेंगे कि
کہ جمع تفریق میں اور انفارمیشن ریٹریو کرنے میں جنرلی اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ انفارمیشن ہے تو ہم شاید اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں، لیکن اگر وہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، الیکٹرانک فارمیٹ میں ہے، کمپیوٹرز آر ویری گڈ ایٹ اٹ۔ تو سسٹمز ٹو ایکٹ ایز انفارمیشن پروسیسنگ ٹول جو ہے، یہ کیپیبلٹی بھی ہمیں ایکسپرٹ سسٹم جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ اور دوسری، پاور ٹو امیجن نیو سچویشن۔ جب آپ کے پاس کسی ڈومین کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے، لاٹس آف ڈیٹا موجود ہے، تو ایکسپرٹ سسٹم ہمیں یہ کیپیبلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم امیجن کر سکیں اس ڈیٹے کو یوز کرتے ہوئے کہ کیا پاسبل سچویشنز ہو سکتی ہیں، اور نئے فیکٹس کا اور نئے ڈیٹا کا اور نئی انفارمیشن کا پوٹینشیل امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ ہم اس میں پریڈکشن کا کام جو ہے وہ بھی ایکسپرٹ سسٹم سے لے سکتے ہیں۔